स्वागत है आप सब पर एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये फोटो देख रहे होंगे दोस्तों, ये शहीद हो चुके हैं एक एनकाउंटर में जिसे फेक एनकाउंटर कहा जा रहा था। ये हैं श्री मोहन चंद्र शर्मा जी, जिनकी उसी बाटला हाउस एनकाउंटर में दोस्तों एनकाउंटर के वक्त इनकी दोस्तों मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे एक प्रकार से। दोस्तों हमें अक्सर लगता है जैसे हम लोग सेना का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोगों की जो सोच एक पुलिस के प्रति है वो बहुत ही गलत है। मानते हैं कुछ चीज़ वो गलत करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी समझिए दोस्तों, पब्लिक के बीच नौकरी करना और पब्लिक के लिए नौकरी करना बहुत अलग चीज़ें होती हैं। सेना को पब्लिक से डील नहीं करना पड़ता है, अभी उन्हें से पब्लिक को बचाने के लिए उन्हें आतंकवादियों से डील करना पड़ता है, जिनको उनको डायरेक्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं दोस्तों। लेकिन पुलिस का काम बहुत ही पेचीदा होता है, उन्हें पब्लिक को भी समझना है, पब्लिक की जान भी बचानी है, पब्लिक के ख़िलाफ़ जो है उनको मारना भी है, उनको जेल भी पहुँचाना है और उनकी भी समस्या को समझना है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, और पब्लिक को हर तरह से सेफ रखना भी उन्हीं का काम है। चाहे 24 घंटों सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी हो, उनका काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है दोस्तों। हमें लगता है कि उनके लिए जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। हम इनको नमन करते हुए बाटला हाउस एनकाउंटर को समझेंगे कि आखिर ये हुआ तो 2008 में था, अभी जाके कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें अपना फैसला सुनाया है, और जो अरीज खान करके एक कहते हैं आतंकवादी था दोस्तों, उसको मौत यानी हत्या के जुर्म में दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों के चलते उसको दोस्तों सजाए मौत दे दी गई हैं। दोस्तों इन पर नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम यदि देखेंगे बाटला हाउस एनकाउंटर के दोस्तों टाइम लाइन को, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी बाटला हाउस एनकाउंटर की। दोस्तों 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। दोस्तों आपको ये पता होगा कि बाटला हाउस है कहाँ, तो दोस्तों ये आपका दिल्ली में एक जगह है बाटला हाउस, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों दिल्ली की एक निर्णय आया है, दिल्ली की साकेत कोर्ट जो है दोस्तों उन्होंने दोषी करार करते हुए आरिज खान को दोस्तों फांसी की सज़ा सुना दी है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है दोस्तों। अब आप कहेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता क्या है, तो दोस्तों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मतलब होता है ये एक ऐसा पेचीदा मसला था जिसको सुलझाना बहुत जरूरत था, ताकि एक मिसाल कायम हो, ताकि अगली बार से अगर इस तरह की घटनाएं हो तो उसको हम काफ़ी अच्छी तरह से डील कर सकें, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर से हो सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे केस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या नीचे की अदालतों के पास आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आरिज खान पर दोस्तों 11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 10 लाख दोस्तों शहीद इंस्पेक्टर श्री मोहन चंद्र शर्मा जी के परिवार को दिए जाने का आदेश भी दिया है। पिछले दिनों कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को दोस्तों दोषी करार दिया था। आपने हर जगह सोशल मीडिया में ये देखा होगा, ठीक है, और सजा सुनाने के लिए 15 मार्च की दोस्तों तारीख रखी थी, ठीक है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जो कि संदीप यादव जी हैं, उन्होंने दोषी आरिज खान की हत्या यानी सजा पर पहले शाम 4 बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कथित रूप से जुड़े आरिज खान को मौत की सज़ा दिए जाने का अनुरोध किया था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून के रक्षक की हत्या का मामला भी है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन थी। पुलिस ने यहाँ पर कहा कि केवल यह एक हत्या का मामला नहीं कि आपने मोहन चंद शर्मा जी का हत्या कर दिया, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून के रक्षक की हत्या का मामला है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पुलिस हमारे न्याय की रक्षा के लिए एक कानून जो होता है उसके जो रक्षक होते हैं पुलिस वाले, उनकी हत्या का मामला है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने मृत्युदंड की मांग की थी, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर के इलाके में दोस्तों एक सेकंड में दोस्तों अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर 19 सितंबर 2008 को जो एक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में जिस अपार्टमेंट में दोस्तों एनकाउंटर किया था, उस एनकाउंटर में आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों वहाँ पर बाटला हाउस एनकाउंटर के खलीलुल्लाह मस्जिद दोस्तों वहाँ पर एक अपार्टमेंट था। इंडियन मुजाहिदीन IM के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को दोस्तों वहाँ पर गोली मार दी गई थी। दिल्ली पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी गई थी। उन्होंने उस दिन बाद दोस्तों दम तोड़ दिया था। आगे दोस्तों यहाँ पर पुलिस के अनुसार 2 सस्पेक्ट्स यानी 2 जो थे सस्पेक्ट थे दोस्तों उन्हें एनकाउंटर में ही मार दिया गया था, ठीक है, जो इसके लिए जिम्मेदार थे। और ये आखिर किस लिए जिम्मेदार थे दोस्तों, ये 2007 में
आपके दिल्ली में और अहमदाबाद में और साथ ही हैदराबाद में दोस्तों, दिल्ली और अहमदाबाद में जुलाई 2008 में दोस्तों बम धमाके हुए थे, सीरियल ब्लास्ट, और 2007 में दोस्तों हैदराबाद में हुए थे। उनके दोस्तों ये क्या कहते हैं, बहुत ही उनके जिम्मेदार जो था जो वहाँ पर सीरियल ब्लास्ट करने का दोस्तों, उनमें बहुत बड़े सस्पेक्ट थे, मेन माने जा रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए 5 लोग फ्लैट में रहते थे, जो कि 2 उनमें से 2 को मार किया जाता है, 2 भाग जाते हैं और 1 दोस्तों वहाँ पर अरेस्ट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों की सस्पेक्ट जो था वो आतिफ अलियास बशीर, जो कि 24 साल का था दोस्तों, वो इंडियन मुजाहिदीन का दोस्तों की लीडर था, ठीक है। उसका जो लिंक था, मास्टरमाइंड था दोस्तों, अब्दुल सुभाष अलियास तकदीर के साथ था दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर YS देसवाल जी ने उस समय कहा था, और जो इस समय मारे गए थे उनमें से एक था, और जो दूसरा था वो जो किल किया गया था दोस्तों 25 साल का साजिद था, ठीक है। ये 2 सस्पेक्ट थे दोस्तों, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला था, उसके पास से दोस्तों AK-47 और 2 30 बोर पिस्टल्स दोस्तों रिकवर की गई थी इनकाउंटर साइट से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यदि जो ऑफिशियल्स ने कहा था दोस्तों, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो आई थी उसी दिन क्या कहते हैं बाटला हाउस में फास्ट 5 टेररिस्ट दोस्तों उसकी पिछली नाइट को वहाँ पर थे, पुलिस को ऐसी जानकारी मिली थी। तो पुलिस ने क्या किया, 19 सितंबर 2008 को वहाँ पर स्पेशल सेल पहुँचती है, सूत्रों के हवाले से खबर से लगभग 10:15 में सुबह टाइम रहता है, 10:15 के सुबह के टाइम में वो पुलिस वहाँ पर जाती है, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, डोर जैसे ही दोस्तों ओपन होता है, शर्मा जी को दोस्तों वहाँ पर 3 बुलेट्स लगती हैं, ठीक है। टेररिस्ट फायर 8 राउंड, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो टेररिस्ट होते हैं वो 8 राउंड करते हैं, और वहीं पर पुलिस उसके जवाब में दोस्तों 22 राउंड करती है दोस्तों, बचाव के लिए तो करी है। और जब दरवाज़ा खोलते हैं, यदि आप पर कोई हमला करेंगे तो आप अपनी जान बचाने के लिए, और दूसरी चीज़ वो तो पुलिस वाले थे, उनका तो काम ही है, यदि कोई सस्पेक्ट है उन पर फिर हमला तो हमें बोलना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज़ थी दोस्तों, यदि हम बात करें उस सीरियल ब्लास्ट की दोस्तों, 21 लोग उसमें दोस्तों मारे गए थे, और साथ ही 100 लोग उसमें इंजर्ड भी हुए थे दोस्तों। नेशनल कैपिटल की बात बता रहा हूँ यहाँ पर हम आपको, 5 एक्सप्लोजन्स टू प्लेस विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स ऑफ द इवनिंग दोस्तों। यहाँ पर 30 मिनट्स के अंदर ही दोस्तों 5 एक्सप्लोजन जो है दोस्तों यहाँ पर आपके हुए थे, करोलबाग में, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश, और साथ ही कॉनॉट प्लेस के पास में दोस्तों। उसके बाद वहाँ पर होता क्या है ये आपको बताता हूँ मैं दोस्तों। इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर 13 पेज का ईमेल भी मिलता है इस ग्रुप के माध्यम से। इन्होंने दोस्तों कहा था, नेवर एज्यूम दैट वी हैव फॉरगॉटन द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद एंड बाय अल्लाह, समझ पा रहे हैं आप इसका मतलब दोस्तों। इन्होंने कहा अपनी ईमेल के माध्यम से कि बाबरी मस्जिद का इस तरह से डिमोलिश किया जाना हम नहीं भूल सकते हैं, और अल्लाह नहीं भूल सकता है, वी कैन नेवर फॉरगेट, हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इट इज़ दैट ग्रेव मिस्टेक्स ऑफ योर्स विच विल मेक यू टेस्ट द ह्यूमिलिएशन फॉर जनरेशन टू कम दोस्तों। इन्होंने कहा यह आप लोगों की गलती है, जिसके कारण आने वाले पुष्पों को भी ये ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ेगा, ठीक है। बाबरी मस्जिद वाज एंड विल रिमेन टू बी आवर ग्लोरियस सेल्फ इस्टीम एंड इंशाल्लाह, बाबरी मस्जिद जो दोस्तों पहले थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो हमारे सेल्फ इस्टीम का और ग्लोरियस माउंटमेंट था दोस्तों, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसा उन्होंने कहा, वी विल प्रूव इट टू यू आर हॉर्नेट्स नेस्ट इन विच यू हैव इमर्स्ड योर बेयर हैंड अनवेयर ऑफ द पेन टू कम दोस्तों। उन्होंने यही कहा कि आप या तो उसे, हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि आप लोगों ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, इसका दर्द आप लोगों को पता चलेगा, ये समझ आएगा दोस्तों, ऐसा उन्होंने कहा था। द ईमेल वाज टाइटल्ड, ईमेल को टाइटल दिया गया था दोस्तों, आई फॉर एन आई द डस्ट विल नेवर सेटल डाउन, ऐसा उन्होंने कहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी जानकारी थी बाटला हाउस से, खबर से दोस्तों, बाटला हाउस क्या था, एनकाउंटर क्या था, उस पर बहुत अच्छा हुआ जो आज ये नतीजा है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है पुलिस के काम को भी समझे, हर समय उनके काम को गलत नज़र से देखना सही नहीं होता है दोस्तों। और बाटला हाउस एनकाउंटर जब हुआ था उसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप और आपके कई राजनीतिक पार्टियां दोस्तों वोट बैंक के चक्कर में इसको गलत ठहरा रही थी और पुलिस को भी गलत कर रही थी। आप समझिए, एक पुलिस वाला एनकाउंटर के समय अपनी जान गंवा देता है, शहीद हो जाता है, उसके बाद ही पुलिस के प्रति कोई सिंपैथी नहीं थी, बल्कि जिनके पास गन थी उनके प्रति सिंपैथी थी। ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ हमें समझनी चाहिए, हमें भावनाओं में कभी नहीं बहना चाहिए। आप ये समझिए, जो सही है तो सही है, उसका साथ देना चाहिए, ये नहीं कि यदि कोई किसी से आपको वोट बैंक मिल रहा है तो आप उसके लिए
किसी दूसरे को जो अपनी ड्यूटी कर रहा है उसको गलत ठहरा दे, बहुत ही गलत है दोस्तों। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, और यदि होती हैं तो हम सही को सही कहने का दम रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।